भाई इन्होंने इतना तंग कर दिया शुतुरमुर्गों को, शुतुरमुर्ग बोले पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। अपना पेज बनाया हुआ, तीन आदमी भी नहीं देखते, लेकिन जब वो हमारे इस अच्छे काम को गालियां बक रहा है तो उसके पास व्यूअरशिप आ रही है। वो नूरिया आलमिया के सरबराह मुफ्ती नईम साहब, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, जब वो यहाँ आए थे उन्होंने बोला जफर अब्बास ये जो दस्तरखान तुमने शहरी का सजाया इससे शहर से फिरका वारियत खत्म हो जाएगी। इसी बात करूंगा, देखिए नफरत का बयानिया फैलाकर अगर आपको 200 आपके व्यू आते थे और 1,00,000 आ रहे हैं तो मैं कहूंगा सही है भाई, आपके बच्चे रोटी खाएंगे ना इसके बदले, यार आपको आपके पास कुछ है ही नहीं बनाने को कंटेंट, तो आप ये कर लीजिए। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए हैं नुमाइश पे और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मुझे यहाँ से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही है जो कि आपको भी आ रही होगी और काफी रश है, खवातीन हज़रात है, ये देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ना तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में कह रहे और एक निशानी इनके लिए ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया काफी अच्छा इंतजाम है यहाँ पे और काफी बड़ी जगह है ये। मैं हूँ दिया खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ JTC जहाँ पे इस वक्त सहरी का टाइम हो गया है और यहाँ पे सहरी का इंतजाम किया गया है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो हमारे साथ हैं जफर साहब वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा हलार बसान साहब जो के पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे और जर्नलिस्ट भी हैं और डिफरेंट और भी पार्टीज के लोग आए हैं, तो आइए हम उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे शहरी का किस तरह से अहतमाम किया है। जी तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हलार बसान जो कि PPP के रहनुमा हैं और MP हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक करते हैं आपसे। आप ये देख रहे हैं कि रौनक है और ये सहरी ये चल रही है और लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और बहुत बुरा भला भी बोल रहे हैं और JDC काम कर रहा है, करता आ रहा है, तो आप लोगों की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कितनी सपोर्ट है इनको? देखिए पहले तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कराची हट जो भी रहते हैं एक बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है किसी की खिदमत करना। आप कभी भी कोई चीज़ पॉजिटिव करते हैं तो उसके लोग मुख्तलिफ निगाहों से देखते हैं, तंकीद हमेशा होती रहती है, बट अप्रिशिएट करना चाहिए जफर भाई जिस तरीके से सबकी हेल्प कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट हो या हमारी पार्टी हो, वो तो वक्फन बवक्फन इनकी हेल्प करती है, मोरली हेल्प करते हैं, बट हम समझते हैं कि जितने लोगों को यहाँ पे अगर हम खाना प्रोवाइड करते हैं, अशिया प्रोवाइड करते हैं, ये हम सबकी जीत है। इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी है, कौन सा सूबा है, जितनी भी लोगों की खिदमत हो सके वो हमारा मंशूर में भी है और जफर अब्बासी साहब उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल उसको सपोर्ट भी करते हैं और आप कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि वो खाने खिला रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हैं। आपने अभी सुना उनके डायलिसिस सेंटर भी बन रहे हैं, दूसरी चीज़ में वो कहना चाह रहे थे कि मैं फ्री ब्लड सैंपलिंग करना चाह रहा हूँ, टेस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ पूरे सिंध में। ये अच्छी बात है, खुशाइंदा बात है, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और मैंने इनको ये यकीन दिलाई थी कि क्योंकि हम MPA हूँ तो स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर भी बन सकता हूँ और ऑब्वियसली हमारी आवाज़ हो सकती है पार्लियामेंटेरियन में एज बैठ के, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी इन इदारों की हेल्प करें और JDC की वो हम बिल्कुल भरपूर नमून से सपोर्ट करने आज आप बिल्कुल डेफिनेटली इंसानियत के खातिर थैंक यू सो मच। सलाम, आपको कहना चाहेंगे आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? आप भी यहाँ पे नजर आते रहते हैं मुझे कि आप बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी जहर के सियासी रहनुमा भी हैं और माशाल्लाह से काम भी काफी कर रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो उनके साथ उरूज भी है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू जिया खान एंड थैंक यू यासिर भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जफर अब्बास जो है ना वो सिर्फ JDC का नाम नहीं है, सही है ना? मैं खुद जब ये हमारे सैलाब के हम लोग खिदमत के लिए गए थे, दादू NDS गया था, तो उन्होंने मुझे वहाँ के तो मुतासरीन थे
उन्होंने मुझसे खुद कहा कि हमारे पास सरकारी कोई इमदाद नहीं आई है, हमारे पास आया तो जफर अब्बास आया। अभी कितनी बड़ी बात है जो कि शायद लोगों को नहीं पता हो, वो तो यही देख रहे हैं ना जो दिखाया जा रहा है उनको। इतनी बड़ी तो राशन ड्राइव आप देखें जरा, अगर अंचोली सराबपुर वाले से रोड से जब ट्रक शुरू होते हैं तो वो शायरा पूरा शायरा पाकिस्तान, इतनी बड़ी शायरा में सिर्फ ट्रक खड़े हुए और ये रोज की उस पर निकल रहे हैं, रोज निकल रहे हैं। सबसे बड़ी राशन ड्राइव, सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल खोल देना, इस तरह मजाक नहीं, बहुत बड़ी बात है। और आप मैं जी ये कहना चाहूंगी, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अगर देखा जाए तो कुरान का मफहूम भी इंसानियत है, और ये इंसानियत का जो कदम जफर अब्बास साहब जेडीसी की फाउंडेशन कराची में बड़े तेज रफ्तारी से जो है 10-15 सालों से काम कर रही है, तो हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारी कौम में टांग खींचने वाले ज्यादा हैं, बजाय इसके कि इंसानियत या हुसैनियत या जो इमाम हसन ने दस्तखान वसी किया था उस परंपरा को जेडीसी लेके चल रहा है और कौम की खिदमत कर रहा है, बजाय इसके कि लोग इनके साथ शामिल हों, इनका साथ दें, तो जो इनके साथ नेगेटिविटी हो रही है, जो नेगेटिव प्रोपेगंडा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से पीपल हैव टू स्टॉप। और ह्यूमैनिटी और की बेसिस पे लोगों को चाहिए कि कौम इनको सपोर्ट करे, और कौम के काफ़ी सारे पॉजिटिव लोग हैं जो इनकी सपोर्ट में हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ भी ऐसा करने लगेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं है कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि जो इस तरह से काम कर रही हो, जो इतने कम अरसे में इतना नाम बनाया है। वो अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता है रोज़ाना यहाँ पे शायरी की और शायरी की रौनक है जो है आप देख रहे हैं, और आज मैंने भी आई हूँ यहाँ पे शिरकत की है। और मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से कि बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात है, हम तो ये कहेंगे कि जो सब कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको हैंडल करने में कितनी मुश्किलात हो रही है? हमें कोई मुश्किल नहीं, देखिए एक आदमी है उसने यूट्यूब पे अपना पेज बनाया हुआ, 3 आदमी भी नहीं देखते, लेकिन जब वो हमारे इस अच्छे काम को गालियाँ बक रहा है तो उसके पास व्यूअरशिप आ रही है, वो हमें गालियाँ बक रहा है या वो ये इस बात पे कैंपेन चला रहा है कि तुमने भूखे को खाना खिलाया है अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये कौन सी कैंपेन है? मैं खुद परेशान हूँ, मैंने आज वीडियो लगाई है कि आज से 5-6 साल पहले जब दारुल उलूम बिन्नूरिया आलमिया के सरबराह मुफ्ती नईम साहब अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, जब वो यहाँ आए थे उन्होंने बोला जफर अब्बास ये जो दस्तरखान तुमने शहरी का सजाया इससे शहर से फिरका वारियत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत का बयानिया फैल रहा है, मैंने पेज पे आज लोड करवाई है दोबारा, और जफर अब्बास तुम गरीब को अगर शुतुरमुर्ग कोई सेठ खिला रहा है तो यार ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाओ ताकि इस मुल्क से फिरकावारियत खत्म हो। और जिन लोगों को ये काम पसंद नहीं आ रहा खुद देख लें, वो या तो किसी मखसूस ग्रोह तंजीम फिरका परस्त या ऐसे मिलिटेंट विंग के लोग हैं जो नहीं चाहते इस मुल्क में मोहब्बत का बयानिया चले। मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा, देखिए नफरत का बयानिया फैला कर अगर आपको 200 आपके व्यू आते थे और 1 लाख आ रहे हैं तो मैं कहूँगा सही है भाई, आपके बच्चे रोटी खाएंगे ना इसके बदले, यार आपको आपके पास कुछ है ही नहीं बनाने को कॉन्टेंट तो आप ये कर लीजिए। लेकिन हैरत की बात यह है सोचने वाली कि जेडीसी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नुमाइश चौरंगी पे 16 अरब रुपए की खून की मशीन लगाई, जहां पूरे सूबे के मरीजों का है, जिसका जिस प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा हो, सरकारी में हो रहा हो, लाखों डिस्पेंसरियां हैं वहां हो रहा हो, और अगर आपका टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है पैसे नहीं आओ 250 एग्जाम के टेस्ट हो रहे फ्री में कराओ, वो नजर नहीं आ रहा। जेडीसी ने जो गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया, एक एक मरीज पर 10 साल का 3.5 करोड़ रुपये खर्चा है, हर एक दिन बाद 17,500 रुपये खर्चा है, वो नजर नहीं आ रहा। जेडीसी ने सिंध गवर्नमेंट से जगह लेकर जो ओ लेवल स्कूल बनाया फ्री, पाकिस्तान की तारीख में पहला फ्री ओ लेवल स्कूल, जहां 2.5 साल का बच्चा टच लैपटॉप पे पढ़ रहा है, स्प्लिट एसी प्रोजेक्टर इंटरेक्टिव बोर्ड सब कुछ, स्विमिंग पूल जिमनाजियम जू, 2.5 साल का बच्चा पोनी हॉर्स पे राइडिंग करता है फ्री, वो नजर नहीं आ रहा। जेडीसी ने मुर्दा खाना बनाया वो नजर नहीं आ रहा। जेडीसी ने जो फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई है वो नजर नहीं आ रहा। जब हमने इन प्रोपेगेंडा मशीनियों की आईडी पे जाके देखा तो फिर हमें समझ में आया ये तो पूरी तंजीम है पीछे और एक ग्रो है और एक प्री प्लान लोगों को उकसा रहा है। और फिर जब हमने इनसे शिकायत की कि आपने एक झूठी कैंपेन चलाई थी हमारे लिए से 2 महीने पहले कि जेडीसी को 22 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दे दिए, तो हमने तो मांगे ही नहीं थे 22 अरब, कैसे मिले और कहाँ मिले, एक रुपया भी हमें नहीं मिला। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज इस वक्त है 12वें रमजान की सहरी, हमें आज तक जेडीसी बनाने आज हमें 15 साल हो गए, हमें एक रुपया किसी गवर्नमेंट से नहीं मिला है, एक रुपया। हाँ मैंने सिंध गवर्नमेंट से भी मांगा है कि भाई खुदा के वास्ते आप हमारे साथ जुड़े, और मुझे उम्मीद है जुड़ेंगे क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े ताकि हम पूरे सिंध में खून के टेस्ट तो फ्री कर दें। 17 रुपये का खून का टेस्ट है HbA1c, आप 4,500 रुपये ले रहे हो एक मरीज के खून आ के, आप उसके मांग रहे हो 80,000 रुपये कहाँ से देगा? तो हम जिस लाइन पर काम कर रहे हैं हम माफियाज को हिट कर रहे हैं।
वो माफियाज फिर माशरे के उन बदनामे जमाना लोगों को, उन फारिग लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं, उनको पैसा देती है कि जहर फैलाओ, इमेज डैमेज करो ताकि इदारे बंद हों। कल को अभी इसने 10, 12, 15 डायलिसिस सेंटर खोल दिए फ्री, और ये कह रहा है 50-100 खोलूंगा, तो अगर 2-4 सालों में इतने खोल दिए तो 2-3 सालों में सब क्या धंधा बंद करा देगा भाई। यहाँ अगर हम जो टेस्ट कर रहे हैं लाखों रुपए का और ये फ्री में करेगा, तो जो हमारा प्रॉफिट है 98,000 रुपए पर मरीज, वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो बेसिकली असल मसला शुतुरमुर्ग नहीं है ना ही सेट है, मसला है डोनर को डैमेज करना। तो देखो सैलाब में इसने सबसे बड़ी पाकिस्तान की ड्राइव की राशन की, कोविड में सबसे बड़ी राशन की ड्राइव करी, तो इस पर परेशानी है, इस पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है फलाई कामों का, उसको बैंक में जमा नहीं करा रहा, उससे बिल्डिंगें नहीं खरीद रहा, उसको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट लोगों पे खर्च कर रहा है जो जिसके लिए आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोगों को ये खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर आपसे कोई हेल्प लेना चाहे, किसी का वाहिद इदारा है इस वक्त जिस जो एप्लीकेशन हर चीज़ की लेता है, और आने वाले शख्स से कभी उसकी जबान, रंग, नस्ल, मजहब, मसलक नहीं पूछता, 24 घंटे दरवाजे। एक और अभी वीडियो बहुत वायरल हुई, इसमें वो एक साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप उनको जरा क्लियर कर दें कि वो मेरी फिर बात नुमाइंदे हैं। ना ना ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं, मैं फलाई दा रहा हूँ। मैं अगर हुकूमत होता, मैं अगर रियासत पाकिस्तान होता, आप बोलती जफर अब्बास तुम्हारी जिम्मेदारी है 100% जान माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों के खाना पीना इलाज मुआवजा, तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ो के माफिया भी मांग लेता 1 करोड़ दफा। मैं फलाई दा रहा हूँ, एप्लीकेशनों का लोड तो देखें, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं, आप में से कोई मेरा 1 रुपए का महीने का डोनर नहीं होगा, और मुझसे जो उम्मीदें लगाई हुई और जितना मेरे ऊपर गेम किया जा रहा है मेरे खिलाफ, मेरे इदारे की साख को डैमेज करने के लिए, जितने मुनज्जम तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है, जिस वक्त हमारे खिलाफ झूठी मीम्स और ये सब बनाया जा रहा होता है ना, लोग मेहनत कर रहे होते हैं कंप्यूटर बैठ के, उस वक्त हमारे डायलिसिस सेंटरों में सैकड़ों मरीज अपने जिस्म का खून चेंज करा रहे होते हैं। मुझे इससे लग रहा है कि आपकी साख को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आपको तो लोग बहुत खुल के सामने आ रहे हैं, लोग खुल के सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने मजाक बनाना चाहा था जेडीसी को, आज पूरा पाकिस्तान उन लोगों को लानत दे रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं, हम जेडीसी का मजाक थोड़ी उड़ा रहे थे, हम जेडीसी के कामों का मजाक भी नहीं, हम जफर अब्बास का, हम तो शुतुरमुर्ग का उड़ा रहे थे। शुतुरमुर्ग ने क्या किया, तुम्हारे दादा को लात मारी थी, तुम्हारे बच्चे को डंस लिया, उससे मर गया वो भाई, इन्होंने इतना तंग कर दिया शुतुरमुर्गों को, शुतुरमुर्ग बोल रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, हमें से बोलने का मौका दो, फ्लाई कर जाएंगे यहाँ से। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, आप इस तरह काम करते हैं। देखिए बहन, मैं आपके आपके साथ है, हम सब आपके साथ है। देखिए, मैंने आपको जिंदगी में पहली बार देखा, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो इनके हाथ में घड़ी है घड़ी जी हुसैन भाई, मैं घड़ी आपसे लेके 15 रुपए वाली घड़ी आपको देना चाहता हूँ, और इसके जितने पैसे होंगे इन सबको देना चाहता हूँ। आपको मेरा जुमला अच्छा लगा, जहर लगा? कैसा लगा बताइए? अच्छा लगा। ये जो आप शलवार कमीज पहने, ये मैं आपसे उतरवा के आपको लंडा की टी शर्ट और एक लंडा का ट्राउजर देना चाहता हूँ, जो पैसे बचेंगे मैं दूसरों को बांटना चाहता हूँ, कैसा लगा? देखिए, नहीं नहीं हुसैन भाई, अभी मैं इसका जवाब खुद दूंगा, नहीं आप देखें एंकर हैं, आप सब बोल लेंगे, मैं इसका जवाब खुद दूंगा, अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा लगा, चलेगा, ठीक है, सही है। आपके चप्पलें मैं उतरवा के आपको यहाँ फटी हुई चप्पलें दे देता हूँ सस्ती, ये कोई बात ही नहीं है। मैं आपको भी तनखीद शुरू कर दूँ, ये मोबाइल फोन लेके घूम रहा है, दिखाइए हुसैन भाई कौन सा है? 15 है। मैं इसको बेच के आपको चाइना का एक मोबाइल दे देता हूँ जिसमें यही फीचर होंगे, अच्छा लगा बुरा? और इसके बाद नहीं, आपको दे रहा हूँ यार हुसैन भाई, दे रहा हूँ। आपको कैसा लगा कि मैं आपको चाइना का 11,000 रुपए का मोबाइल दूंगा और इसको बेच के पैसा नहीं लगेगा ना? अगर आप सुने तो जाएगा वो, ना ना ना, इनको गुस्सा आ रहा होगा इस वक्त, ये तो मीडिया के बंदे ना, इसलिए कैमरा फेस कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, एंकर है ना मशहूर। अरसलान भाई को अल्लाह ताला ने दिया है, इनको साल में 1 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये 6 लाख रुपए की सैरी लोगों को खिला रहे हैं इस बात पे कि मेरे दीन ने मुझसे बोला है कि मेरे बच्चे प्रॉन मंदी खाते हैं, तो इन लोगों को जिंदगी में एक दफा खिला दूं। अब आप इनकी तस्वीर लगाइए सोशल मीडिया पे, उस पर प्रॉन बना दीजिए, उस पर मछली बना दें, ये इंसानियत है? आज हमारे लोग इतने ज्यादा डेंजर उसमें आ गए हैं कि अगर कोई खुदा की रजा के लिए रमजान के महीने में किसी के साथ नेकी कर रहा तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे? आपने किसी गरीब के बच्चे को किसी अच्छे ब्रांड का सूट दे दिया तो आप इस डोनर के मुंह के ऊपर वो सूट चिपका के मजाक उड़ाएंगे? कोई दुश्मनी ना इनसे है ना शुतुरमुर्ग से है, दुश्मनी है कि इसने 2, 4, 6 सालों में गली गली इतने फलाई काम खोल दिए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना। अब तुम्हें अपनी मैयत रखने के लिए किसी हॉल में नहीं जाना होगा, और बाद में तुमसे बोलेंगे जाओ जनाजे अंदर मैयत पहले ढूंढो अपनी अकेले, और दरवाजा बंद हो जाएगा, कूलिंग बाहर आ रही है, आप खौफजदा हैं, मैं 300 मैयतों में अपनी मैयत कैसे ढूंढूं? हर मैयत का कफन उठा के पहचानना है मेरा बाप भाई कौन है। हमने क्या किया, कोफिन बॉक्स लगा दिए, SS की बॉडी है, सिंगल बॉक्स खोला, नंबर 215 मैयत निकाली अपनी, गुसल कराने ले गए तो उसके भी कमरे बना दिए, ओपन हॉल में गुसल नहीं होगा, मैयत की हुरमत कोई पामाल नहीं होगी, कोई नहीं देखेगा उस मैयत को, सिर्फ 2-3 लोग अंदर होंगे जो उसकी फैमिली से, ये सजा दी जा रही है। फ्री ट्रांसपोर्ट क्यों चलाई तुमने यहाँ से लेकर सरजानी तक, सोराब कोर्ट से कायदाबाद तक? ये तो काम है ना, ये दिखाने हैं लोगों को। देखें ये माफिया फिर समझे, इसके पीछे ट्रांसपोर्ट माफिया है। मैंने ओ लेवल स्कूल पाकिस्तान में पहला फ्री में बनाया है, जिसमें बच्चा 17,500 या 20,000 रुपए की कुर्सी बैठता है, इंटरेक्टिव बोर्ड पे टीचर पढ़ाती है, बीकन हाउस की प्रिंसिपल लाया हूँ, बीकन हाउस के टीचर लाया हूँ, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है, जू है,
इंटरेक्टिव बोर्ड है, एसी है, स्प्लिटर, लोगों को ये सब चीजें बर्दाश्त थोड़ी हो रही हैं। इसके पीछे स्कूल माफिया है वो परेशान है, लैब माफिया वो परेशान, तुमने फ्री लैब लगा दी। अब वो क्या करते हैं, माशरे के खराब लोगों को पैसा देते हैं कि नेगेटिव कैंपेन चलाओ, इमेज तबाह कर दो। आमिर लियाकत साहब मरने से 5 दिन पहले वीडियो देकर गए पूरी कौम को कि तुम मेरी फैमिली की मेरी बरेना तस्वीरें चला रहे हो वीडियोज और उस पर हंस रहे हो और उस पर पैसा कमा रहे हो। अगर मेरी हुरमत मेरी इज्जत पामाल करके तुम्हारे बीवी बच्चे रोटी खा सकते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त चलाओ। इंतहा तो ये थी मरने के बाद भी मीम्स लोगों की। मैंने वीडियो बना के मीम्स वालों को बोला कि हमारे यहाँ मुसलमानों में मरने के बाद भी है भाई, कोई तो हुरमत नहीं है। फिर बात यह कि आपके सामने और भी शख्सियात हैं आलिम दीन का, इन्होंने किस तरह मजाक बनाया और मर गया, उसके बाद आज तक मीम्स बनाई हुई है, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं कि पैसा आना चाहिए, तो अगर तुम जेडीसी का इमेज डैमेज कर रहे हो मेरा कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। वो जो मरीज डायलिसिस करा रहे हैं, अगर डोनर पैसा नहीं देगा कल को जब वो मरीज दर दर ठोकरे खाएगा ना, आज उसको एसी वाला रूम मिला हुआ है, फिरजीनियस की मशीनों पे उसका डायलिसिस हो रहा है, तो जब वो बद्दुआ देगा मेरे घर का कुछ नहीं जाएगा। अच्छा जी, आप लोग जो है जेडीसी में सैरी करने आए, तो आप ये अभी फर्स्ट टाइम आएंगे, आते रहते हैं? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो आपको कैसा लगा इंतजाम और आप क्या कहना चाहेंगे जफर अब्बास जो काम कर रहे हैं, ये लोगों को सहरी करवा रहे हैं, इफ्तारी करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मैंने कभी बात नहीं करी है। आप बताएं जी। अच्छा है सब कुछ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये लोग फर्स्ट टाइम आए और इसके अलावा भी हमें और लोग मिले हैं, उन्होंने बताया कि जी हम यहाँ पर आते रहते हैं, इंतज़ाम अच्छा है, खाना अच्छा है और खुश होके जाते हैं। अभी हम और लोगों से बात करते हैं। आप जो है आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं? जी जी जी। कहाँ से आए आप? हैदराबाद 11 नंबर। हैदराबाद से आप स्पेशली यहाँ पर आए हैं? स्पेशली आए हैं माशाल्लाह। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे सहरी करवा रहे हैं? कजन वगैरह रहते ना, उन्होंने बताया था माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया जाता है यहाँ पर और लेडीज का बहुत एहतराम किया जाता है, तो हम फैमिली के साथ आए माशाल्लाह, पहली दफा आके बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर हम लोग। अच्छा, आप इंतजाम से मुतमईन है, आप जेडीसी की जो सर्विसेज हैं उनसे मुतमईन? बहुत अच्छा लगा हमें माशाल्लाह से, यहाँ का रहन सहन सब अच्छा है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई जैसे ही बात नहीं है तो फैमिली को नहीं ला सके, यहाँ है माशाल्लाह सुकून से बैठे हुए, कोई हबड़ जबड़ नहीं है। अच्छा, तो अब आएंगे फैमिली को लेकर आएंगे इंशाल्लाह? आएगी फैमिली भी माशाल्लाह। हम भी आई हुई है, कहाँ है आगे बात कर सकते हैं? चले आ जाए। अच्छा भाई, ये एक फैमिली है बहुत दूर से आई है हैदराबाद से, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदराबाद से आए, आपको किसने बताया कि जेडीसी में यहाँ पे सैरी करवाई जा रही है, या आप लोग इतनी दूर से आए तो वापस चले जाएंगे या अभी यहीं रुकेंगे? अभी यहीं है, अभी यहीं है। और आप? एक ही साथ है ना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इंतजाम, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, पहली दफा आए, अच्छा लग रहा है, शौक में आए हम तो, क्योंकि बड़ा नाम सुना था ना। क्या सुना था आपने जेडीसी के बारे में? यही चल रहा है प्रोग्राम, सैरी करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है और क्या क्या काम कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं पता, अभी आए हैं तो लोगों से पता चलेगा। ठीक है ठीक है, चलें जी। ये इतने दूर से आए, ये जेडीसी का सुनकर कि यहाँ पे सैरी करवाई जाती है, बड़ी बात है। ठीक है, तो जी ये आज का हमारा प्रोग्राम था और आपको मैं लेकर आई थी यहाँ पे जेडीसी फाउंडेशन, जहाँ पे सहरी का इंतज़ाम करवाया गया था, आज 12वां रोज़ा है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तादाद आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, पूरी पूरी फैमिली आई हुई है, सारे बच्चे बड़े सब आए हैं और कुछ लोग जो हैं वो बार बार आते हैं यहाँ पे सहरी करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पहली बार आए। तो कहने का मकसद ये है कि जेडीसी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे भूखों को खाना खिलाया जाए, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जेडीसी फाउंडेशन बहुत काम कर रही है और ये रमज़ानों में सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम जो किया जाता है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि उनका साथ दिया जाए। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि कोई कुछ भी कर रहा है, आप बोलने वाले कौन होते हैं, जब तक आप खुद कुछ अच्छा नहीं करते किसी को आप बुरा भी ना बोलें। जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने दें, जिस तरह से फाउंडेशन कर रही है और मैंने आके पूरा देखा है इंतज़ाम सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इसके अलावा अगर आप जेडीसी फाउंडेशन में गए हैं तो आप बताइएगा कि आपके साथ उनका तजर्बा कैसा रहा, आप लोग जेडीसी फाउंडेशन से रिलेटेड किसी भी इदारे में गए हों और वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं आप उससे मुतमईन हैं, नहीं मुतमईन हैं, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, जो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।